हाय, सो इन द लास्ट सेशन वी सॉ हाउ टू टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर. ठीक है, अब हमारे पास इनपुट आ गई, अभी ट्री हमारे पास आ चुका है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमको उस ट्री को प्रिंट करना है. अब हम लोग प्रिंट करने के लिए दो तरीकों से करके देखेंगे. एक तो हुआ लेवल वाइज प्रिंट, उसमें अगेन फिर से क्यू यूज करेंगे, और एक फिर रिकर्जन से प्रिंट करके देखेंगे. ठीक है, चलो लेवल वाइज प्रिंट करने के लिए आई वॉन्ट द आउटपुट टू बी समथिंग लाइक दिस, कि पहले वन का आ जाए कि वन के टू और थ्री चिल्ड्रन है, टू के फोर और फाइव चिल्ड्रन है, फिर थ्री के सिक्स और सेवन है, फोर फाइव सिक्स सेवन इनका कोई भी चाइल्ड नहीं है. तो आई वॉन्ट समथिंग लाइक दिस. तो अगेन एज आई ऑलरेडी सेड कि हम लोग क्यू यूज कर लेंगे. क्यू में क्या करेंगे कि हमें बेसिकली रूट मिलेगा, तो रूट को हम लोग पहले क्यू में डालेंगे. राइट, फिर रूट को बाहर निकाल लेंगे एंड उसके जो भी चिल्ड्रन होंगे उनको उसके साथ प्रिंट कर देंगे. राइट, एंड जो उसके चिल्ड्रन होंगे फर्दर उसको पीछे डाल देंगे. राइट, उसको फर्दर पीछे डाल देंगे. फिर टू को बाहर निकालेंगे. राइट, फिर उसके जो चिल्ड्रन होंगे एक लाइन में प्रिंट कर देंगे, एंड जो फोर और फाइव होंगे वो हम लोग पीछे डाल देंगे यहाँ पे. राइट, फिर थ्री बाहर निकलेगा, फिर थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रिंट हो जाएगा, एंड फिर हमारा जो सिक्स और सेवन है वो पीछे चले जाएंगे. फिर फोर बाहर निकलेगा, कोई भी चाइल्ड नहीं है तो इस तरह प्रिंट हो जाएगा. फिर फाइव निकलेगा इस तरह से, सिक्स निकलेगा कोई चाइल्ड नहीं है प्रिंट हो जाएगा, सेवन निकलेगा इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, और ये करते करते हमारा पूरा क्यू खाली हो जाएगा एंड आर जॉब इज़ डन. राइट, तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर लेंगे. तो जल्दी से इसको कोड करके देख लेते हैं. सो वॉइड प्रिंट ट्री लेवल वाइज. राइट, तो मिलेगा क्या, एक रूट मिलेगा. जैसे लिंक लिस्ट के केस में हेड मिलता था, अभी हमें रूट मिलेगा. ट्री नोड इन स्टार रूट. राइट, सो सबसे पहले हमको एक क्यू क्रिएट करना है, तो कॉपी कर लेते हैं ऊपर से. सो पेंडिंग नोड्स चाहिए. राइट, देन हमको एक पेंडिंग नोड्स में पुश करना है रूट को. डॉट पुश रूट, ओके. एंड फिर हमको एक लूप चला देना है. राइट, एक लूप चला देना है जब तक कि हमारा जो पेंडिंग क्यूज है वो खत्म नहीं हो जाता. एंड देन पहले करंट नोड निकल के आएगा. राइट, और एक नोड पॉप हो जाएगा. तो अब मुझे क्या करना है कि जो मैंने अभी नोड निकाला है उसको उसके चिल्ड्रन के साथ प्रिंट कर देना है. राइट, तो बेसिकली एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैं ऐड करते जाऊंगा. राइट, जैसे कि मैंने वन को जब बाहर निकाला, सो पहले मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लूँगा जिसमें वन डाल दूंगा. राइट, फिर फर्दर इसके चिल्ड्रन जो पूछे थे टू कॉमा थ्री करके उसमें अपेंड कर दूंगा, एंड फिर इस चीज़ को प्रिंट कर दूंगा. ठीक है, तो एक स्ट्रिंग रख लेते हैं, स्ट्रिंग टू बी प्रिंटेड. ठीक है, वो स्ट्रिंग जो कि मुझे प्रिंट करनी है इज इक्वल टू करंट नोड का जो डेटा है. राइट, अब वो एक इंटीजर फॉर्मेट में था, तो उसको अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हैव अ फंक्शन नोन एज टू स्ट्रिंग, तो उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूंगा, प्लस उसमें एक कोलन जोड़ लूंगा. राइट, तो बेसिकली मैंने वन कोलन एक स्ट्रिंग बना के रख ली. राइट, अब फिर मेरे पास टू और थ्री आएंगे तो इस स्ट्रिंग में मैं अपेंड कर दूंगा. राइट, टू कॉमा थ्री कॉमा करके. राइट, सो अब मुझे लूप चलाना है उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर. फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन करंट नोड चिल्ड्रन डॉट साइज. तो बेसिकली ये वेक्टर का जो साइज है वो हम यूज कर रहे हैं. सो हमारी जो टू बी प्रिंटेड स्ट्रिंग है उसमें जो करंट चाइल्ड है उसका डेटा डाल देना है, और प्लस एंड में कॉमा डाल देंगे. राइट, टू बी प्रिंटेड प्लस इज इक्वल टू करंट नोड चिल्ड्रन आई का डेटा प्लस कॉमा. राइट, एंड पेंडिंग नोड्स के अंदर भी डाल देना है उसको. पेंडिंग नोड्स डॉट पुश करंट नोड चिल्ड्रन. राइट, तो इस तरह से हमारा काम चल जाएगा. एक और भी तरीका होता है कि अगर मैं इस तरह से लिखने की जाए एट आई भी लिख सकता हूँ. ठीक है, दोनों ही सिंटेक्स काम कर जाएंगे. या तो इस तरह से कर लो या इस तरह से एट आई लिखोगे, तो दोनों ही सिंटेक्स काम कर जाएंगे. राइट, चलो तो अभी जो हमारी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर देते हैं. सी आउट टू बी प्रिंटेड एंड लाइन. ओके, सो इसको जल्दी से चला के देखते हैं. सो लेट्स टेक एन इनपुट
ट्री नोड इंट स्टार रूट इज इक्वल टू टेक इनपुट लेवल वाइज, राइट, एंड फिर हम लोग प्रिंट कॉल कर देते हैं, प्रिंट ट्री लेवल वाइज रूट, राइट। तो लेट्स सी अगर ये हमारा काम करता है। ओके, सो ये बोल रहा है कि इंट में ऐड नहीं कर सकते। ओके, सो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे टू स्ट्रिंग लगाना था, राइट। हमने एक जगह तो लगा लिया था बट यहाँ पे नहीं हमने लगाया था, टू स्ट्रिंग। ओके, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। सो एंटर रूट डेटा, लेट द रूट डेटा बी वन, एंटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वन, तो टू चिल्ड्रन ऑफ वन, जीरो चाइल्ड ऑफ वन दैट इज टू, एंड फर्स्ट चाइल्ड ऑफ वन दैट इज थ्री, राइट। तो हमने कितना कर लिया, वन टू और थ्री चला गया। अब टू के लिए पूछेगा मुझसे, एंटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ टू, तो टू के भी टू चिल्ड्रन है, कौन कौन से उसके देने हैं हमको, फोर और फाइव, राइट, फोर एंड फाइव। अब मुझे थ्री का पूछेगा, थ्री के कितने चिल्ड्रन हैं, दो चिल्ड्रन हैं, कौन कौन से, सिक्स एंड सेवन, ठीक है। एंटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फोर, तो फोर फाइव सिक्स सेवन के कोई चाइल्ड नहीं है, तो जीरो जीरो, फाइव के भी, सिक्स के भी जीरो, सेवन के भी जीरो, एंड हमारा पूरा के पूरा प्रिंट हो गया है, राइट। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन के लिए प्रिंट हो चुका है। एंड एक चीज़ और देखो कि अभी यहाँ पे हमारे पास कॉमा बाकी आ रहा है, ठीक है, तो काम हो रहा है हमारा, बट ये थोड़ा कॉमा अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इसको भी तुम हटाना चाहते हो तो यू कैन वेरी इजीली डू, कि जब हम लोग प्रिंट कर रहे थे उससे जस्ट पहले हम लोग एक कॉमा को हटा देते हैं, राइट। सो फॉर दिस आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, कि मैं जो लास्ट कैरेक्टर वो चेक कर लेता हूँ कि क्या वो कॉमा है, अगर कॉमा है तो उसको रिमूव कर देंगे, राइट। सो इफ टू बी प्रिंटेड, टू बी प्रिंटेड डॉट लेंथ माइनस वन, राइट, कि अगर उसके लेंथ माइनस वन वाला कैरेक्टर अगर कॉमा है, दैट इज लास्ट कैरेक्टर अगर कॉमा है, देन टू बी प्रिंटेड इज इक्वल टू बी प्रिंटेड डॉट सब एस टी आर, राइट। तो जीरो से लेके, जीरो कैरेक्टर से लेके मुझे कितने कैरेक्टर्स रखने हैं, उसकी लेंथ माइनस वन कैरेक्टर्स, ठीक है। सो टू बी प्रिंटेड डॉट लेंथ माइनस वन, तो इतने कैरेक्टर्स मुझे रखने हैं, तो बेसिकली कॉमा हट जाएगा यहाँ से। मैंने एक कंडीशन क्यों चेक करी है, बिकॉज हो सकता है जैसे हमारा ये फोर है फाइव है, ठीक है, इनमें तो कॉमा आता ही नहीं है, तो रिमूव कहाँ से करेंगे, राइट। तो अगर कॉमा आता है लास्ट वाला तो उसको रिमूव कर देते हैं, तो हमने ये चीज़ लिख दी है। एक बार फिर से हमारा ये काम करके देख लेते हैं, राइट। सो इनपुट इस तरह से दे लेते हैं, वन, उसके बाद वो पूछेगा कि कितने चिल्ड्रन हैं, दो, एंड कौन कौन से है, टू एंड थ्री, फिर मुझे नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ टू पूछेगा, टू, एंड टू के कौन कौन से चिल्ड्रन है, फोर एंड फाइव, देन वो मुझे थ्री के नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछेगा, दैट इज टू, कौन कौन से चिल्ड्रन, सिक्स एंड सेवन, देन वो मुझे फोर के चिल्ड्रन पूछेगा, जीरो, फाइव के जीरो, सिक्स के जीरो एंड सेवन के जीरो, तो एक साथ दे देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी भी करके रख लेंगे फ्यूचर के लिए, जब भी मुझे इनपुट देनी होगी, राइट। सो इसको कहीं पे कॉपी करके रख लेते हैं, राइट। सो नाउ इफ आई रन दिस, तो हमारा ये काम हो रहा है और कॉमाज एक्स्ट्रा नहीं आ रहे, राइट। तो इसको मैंने कॉपी करके रख लिया कि अब मैं बार बार एक एक करके नहीं दिया करूँगा, सीधे सीधे कॉपी करके ये दे दिया करूँगा, फ्यूचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जब हम लोग, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई है। वन थिंग ऑल्सो वट वी वॉन्ट टू डू इज वी वॉन्ट टू प्रिंट इट यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। तो अब इसको रिकर्जन से भी प्रिंट करते हैं। सो वॉइड प्रिंट ट्री रिकर्जन, सो ट्री नोड सेम, उसको इनपुट मिलेगी एक रूट की एंड मुझे प्रिंट करनी है। सो अभी हम रिकर्जन से कैसे करेंगे, अब जस्ट सोचने की कोशिश करो कि हमारा जो प्रिंट फंक्शन है वो क्या करता है, कि अगर हम उसको ये वन देते हैं तो वो पूरे के पूरे ट्री को प्रिंट कर देता है, ठीक है, इस फॉर्मेट में प्रिंट कर देता है। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मैं उसको टू प्रोवाइड करूँगा तो वो ये वाले सब ट्री को अपने आप प्रिंट कर देगा, राइट। टू पास करूंगा अपने आप प्रिंट कर देगा, थ्री पास करूंगा तो ये वाले सब ट्री वाले हैं जो अपने आप प्रिंट हो जाएंगे। एक काम रह जाएगा, दैट इज मुझे वन के लिए प्रिंट करना, ठीक है। तो जस्ट समझने की कोशिश करो, वन के लिए मैं खुद से प्रिंट कर दूंगा, दैट इज कि मैं ये चीज खुद से प्रिंट कर दूंगा, और जो ये मेरे टू और थ्री हैं, अगर मैं टू पास करूंगा तो टू फोर एंड फाइव ये अपने आप प्रिंट हो जाएंगे। मैं थ्री पास करूंगा तो ये थ्री वाला, ये सिक्स वाला एंड ये सेवन वाला अपने आप प्रिंट हो जाएंगे यूजिंग रिकर्जन,
तो ये मेरा बेसिक सा आइडिया है, राइट। सो इसको कोड करके देखते हैं। बेस केस, इफ रूट इज इक्वल टू नल रिटर्न, राइट। अगर रूट नल है मतलब ट्री में एक भी नोड नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, कुछ करना नहीं है, राइट। स्ट्रिंग टू बी प्रिंटेड इज इक्वल टू टू स्ट्रिंग रूट का डेटा प्लस कोलन, ठीक है। तो हमको क्या करना था कि जो रूट है उसका तो काम हमको करना था, दैट इज रूट, और उसके जो चिल्ड्रन है वो तो हमको प्रिंट करने थे, बाकियों पे रिकर्जन लगा देनी थी, राइट। सो ये वाला काम खुद से कर लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन रूट चिल्ड्रन डॉट साइज आई प्लस प्लस टू बी प्रिंटेड प्लस इज इक्वल टू टू स्ट्रिंग रूट चिल्ड्रन आई डेटा प्लस कॉमा, राइट। सो टू बी प्रिंटेड में हमारे पास ये चीज हो जाएगी, एंड देन आई कैन सिंपली प्रिंट दिस स्ट्रिंग। एंड द लास्ट थिंग इज वी हैव टू कॉल रिकर्जन ऑन ऑल द सब ट्रीज, दैट इज ऑल द चिल्ड्रन, राइट। सो प्रिंट ट्री रिकर्जन रूट चिल्ड्रन आई एंड दैट्स इट। सो बाकी का काम अपने आप हो जाने वाला है, ओके। सो एक बार कॉल करके देख लेते हैं। प्रिंट ट्री रिकर्जन, सो दिस इज द इनपुट दैट वी हैव टू गिव। लेट मी क्लियर द विंडो, सॉरी, यस, लेट्स रन इट। सो इट इज प्रिंटिंग फॉर ऑल ऑफ देम, 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7, बट इट इज नॉट लेवल वाइज, राइट। इट इज नॉट लेवल वाइज, सो वॉट इज ऑर्डर 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7। सो 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7। तो बेसिकली हो कह रहा है कि यार सबसे पहले हमने 1 के लिए काम कर दिया, फिर उसने फर्दर रिकर्जन कॉल कर दी इसके ऊपर। अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले 2 के लिए काम हो जाएगा और ये फर्दर इस पे रिकर्जन कॉल कर देगा, राइट। इस पे और इस पे कॉल कर देगा, पहले 4 के लिए काम होगा एज यू कैन सी ओवर हियर, फिर 5 के लिए काम होगा, ठीक है। अब जब ये पूरा काम खत्म हो चुका है फिर इधर जाएंगे हम लोग। अब इधर जाएंगे तो पहले 3 के लिए कॉल हो जाएगा, 3 पे जब काम पूरा हो जाएगा तो वो 6 और 7 पे कॉल हो जाएगा, पहले 6 का काम होगा फिर 7 का काम होगा, राइट। सो बेसिकली 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7। तो एक बार फिर से समझ लो इसको कि इस ऑर्डर में क्यों आ रहे हैं। सो सबसे पहले हमारा 1 का काम हो रहा है, राइट। सो 1 के ऊपर हमारा काम हो रहा है एंड उसने फर्दर 2 और 3 के ऊपर कॉल कर दिया। पहले 2 के ऊपर कॉल होगा और वो फर्दर 4 और 5 पे कॉल कर देगा। तो सबसे पहले 1 का काम हुआ, फिर 2 का काम होगा, 2 के अंदर 2 का काम हुआ, फिर 4 पे जाएगा एंड फिर 5 पे जाएगा। अब जब ये वाले सब ट्री का पूरा खत्म हो गया, देन इट विल प्रोसीड टू 3, 6, 7 वाला सब ट्री। अब जब 3, 6, 7 वाले सब ट्री पे जाएगा, पहले 3 का काम होगा, फिर वो 6 और 7 पे कॉल करेगा, पहले 6 का काम होगा फिर 7 का, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ऑर्डर आ जाने वाला है। अगर हमारे पास जैसे 1 के 3 चिल्ड्रन होते तो 3 सब ट्रीज पे कॉल होता, राइट। सो बेसिकली उसके जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उन पे हमने रिकर्जन कॉल कर दी एंड ये हमारा काम पूरा पूरा चल रहा है, ठीक है। सो आई होप दोनों ही तरीके क्लियर हैं, लेवल वाइज और रिकर्जन वाले। थैंक यू।